Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie short film. This is a short film named Sleeveless. Well, ये movie एक मेरे को बहुत अच्छी लगी है और एक society की 2 rupees mentality को portray करती है. Sleeveless, कुछ समझ में आ रहा है? Sleeveless क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग यार. आई विल डिसाइड व्हाट आई विल वियर, आई विल डिसाइड व्हाट आई विल डू. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अनएथिकल और इलीगल, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग व्हाट अदर विल थिंक अबाउट यू यार. बट द अदर पर्सन विल डिसाइड व्हाट आई विल वियर. इज़ अ स्टोरी ऑफ ए गर्ल जो अपनी मदर के साथ रहती है. उसकी मदर के साथ रेप हो गया था, जो कि उसकी मदर के साथ जब रेप हुआ था तो वो साड़ी पहन रखी थी और साड़ी में मोस्टली हमारी बॉडी ढकी होती है. आई मीन बहुत ही लीस्ट पार्ट्स हमारी जो दिखती वो भी नहीं दिखती, मतलब बेसिकली साड़ी इज़ द मोस्ट कवर्ड स्टफ, जिससे कि हम बॉडी कवर है. उस पर भी उसकी जो मदर थी उसकी रेप हो गई थी, राइट. तो उसकी डॉटर है जो एक ब्रॉड माइंडेड लड़की है, जो एक कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट में नहीं जीती है. एक फर्स्ट डे है उसका कॉलेज का, तो उसकी जो सरिता मौसी है वो कैनेडा से एक ड्रेस भेजती है जो स्लीव लेस है. बेसिकली एक अच्छा है, उसको बहुत डिसेंट लगता है, तो वो सोचती है यार कल मैं यही पहन कर जाऊंगी, यार बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट डे तो हमारा बहुत एक्साइटिंग होना चाहिए ना. तो वो सेम फिलॉसफी फॉलो करते हुए इट शुड बी, आई मीन फर्स्ट इम्प्रेशन इट डज matter for any person. Doesn't matter whether you're going to the first day of your office or school or anywhere, and it does matter, and this is something what every person must take care of it, right. So wo sochte hai yaar theek hai yaar, it's looking very cool and everyone is going to be like wow yaar it's nice day, it's kahan se kar raha this or that kind of. Lekin uski mummy ko ye cheez bahut problematic lagti hai yaar, ऐसे पहन के जाएगी लोग क्या कहेंगे काइंड ऑफ, क्योंकि वो साड़ी में उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई थी तो. लेकिन अभी ये स्लीवलेस है और यू नो उसकी एक फ्रेंड भी बोलती है आज की लड़कियां ही बंदों को प्रोवोक करते हैं, मतलब दिस और दैट. तो उसके दिमाग में ये चीज़ सारा रात चल रहा था, तो रात में उसने वो स्लीवलेस को स्लीव फुल कर दिया, मतलब फुल स्लीव कर दिया ना, स्लीवलेस था वो, उसमें कपड़े ऐड करके स्लीव फुल कर दिया. तो वो सुबह देखती है तुमने आपने मेरे कपड़े का सत्यानाश कर दिया. तो उसकी मम्मी बोलते हैं यार ये दुनिया ऐसे ही चलती है, कपड़े थोड़ी स्लीव फुल पहन लेगी तो तेरी इमेज कम हो जाएगी. तो बोलते हैं यार आई विल वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर इंस्टेड ऑफ समबडी एल्स. Cause this is something what I totally believe in. Yeah, why I will, as like just maine bola yaar, if you are not doing anything unethical or illegal, you don't need to wait or you don't need to afraid of anything. Yeah, you will do what you like to. You will eat, drink, whatever you want to do, you will do. This is your life, and whatever decision you want to take, that should be yours, right? So, उसकी मम्मी फिर भी कर देती है, उसकी मम्मी वो गुस्सा हो जाती है. फिर सुबह उठती है तो देखती है उसकी मम्मी ने उस स्लीव फुल को फिर से स्लीव लेस कर दिया है, तो वो हैप्पी हो जाती है. एंड हेयर द एंड ऑफ द स्टोरी, और वो फिर जाती है अपने फर्स्ट डे कॉलेज में, हैप्पी होती है. तो बेसिकली मर्दों की नज़र बुरी होती है और औरतों को शरीर ढकना पड़ता है, ये एक डायलॉग इस मूवी में दिया गया था. ऑफकोर्स यार ये 2 rupees स्टीरियोटाइप मेंटलिटी इस दुनिया में, इंडिया में मैंने बहुत बार बोला है, बहुत ओपनली बोला है यार, इंडिया में भीड़ ज़्यादा है, मतलब
what he or she is doing, he or she is not going to take care of all those things, but what others are doing, you know, leg pulling karna hai, kaise dusre ko niche dikhana, look down karna, this or that kind of things is very, very, very common. It's not just a BCT matter, it's about around, you know, across India, this kind of things you will find. So, yes, दो रुपए मेंटलिटी के लोगों की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यार. दे आर इन लार्ज नंबर्स, आई मीन दे आर इन ह्यूज नंबर्स. इफ यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, टू रुपीज स्टीरियोटाइप, क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड पीपल, देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी इन अ बिग ट्रबल. हाउ लॉन्ग एंड व्हाई यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग, I mean, this is your life and you will decide now what you will wear. As long as you are not uncomfortable with that thing, you are not need to think about all this thing, what others will think about it, right? I do agree with the fact that we are not surrounded with broad-minded people, so that ki yaar agar hum sleeveless pehen rahe hain ya hum shorts pehen rahe hain to yaar बंदे एक रेप की जो प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. आई मीन नो वन हैज़ द राइट टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, मतलब हु हैज़ गिवन द अथॉरिटी टू रेप एनी पर्सन यार. आई मीन दिस इज समथिंग व्हाट वी आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ नेचर यार. आई मीन तुम बताओगे कि मैं क्या पढ़ूंगा या क्या पहनूंगा या क्या खाऊंगा या कहाँ जाऊंगा, दिस और दैट. I mean, who are you, man? Who are you? You are just a part of bheed crowd. Or tum bataoge, matlab you are going to teach a person who is self so qualified. इसमें parents को भी broad-minded होने की ज़रूरत है यार. दुनिया का सबसे बड़ा रोग इस दुनिया में भीड़ की कमी नहीं है. एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है यार, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी यार. आगे वही बढ़ते हैं जो ये दुनिया की भौंकते रहते हैं, एक दिन दुनिया भी शांत हो जाती है. और जो बंदे आगे चलते रहते हैं, वन डे देरी या प्रियंका चोपड़ा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे. बरेली सीज फ्रॉम बरेली, बरेली एक ऐसा मतलब यूपी में, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कंडेमिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ और द पर्सन हु लिव्स इन यूपी इज अ स्टीरियोटाइप और नैरो माइंड, बट मोस्ट ऑफ द पर्संस आर. बरेली जैसे जगह से फ्रॉम यूएसए सी इज लिविंग एंड सी मैरिड विथ लाइक मोस्ट हैंडसम दैट इज Nick Jonas. I mean, wow, isn't this a great achievement for her? Of course it is. सो मतलब यार, तो यार अब वो सोचते यार कि लोग क्या सोचेंगे. अब स्क्रीन पे यार अब कोई स्टोरी की डिमांड है तो किस तो करना पड़ेगा ना. किसिंग इज समथिंग व्हाट इज नेचुरल थिंग एज पर एज द स्क्रिप्ट इज कंसर्न. इफ द स्क्रिप्ट इज डिमांडिंग, यू कांट से कि यार आई कांट डू, दिस इज समथिंग व्हाट आई कांट डू. आई मीन दिस इज समथिंग व्हाट यू कांट, दिस इज योर प्रोफेशन, यू कांट चीट विद योर प्रोफेशन. सो आई मीन थोड़ा सा यार हर एक इंसान, हाँ अब तुम स्विमिंग पूल में तुम साड़ी पहन कर तो स्विमिंग तो नहीं करोगे ना. तो यू जो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस 2 रुपीज पे. इस 2 रुपीज पे भी हो सकता है तुम्हारी फैमिली में भी हो यार, फैमिली में भी तुम्हारे हो सकता है 2 रुपीज मेंटेलिटी के लोग हैं. तो कितने लोगों को तुम ध्यान रखोगे और अपनी लाइफ को स्पॉइल करोगे, क्यों, जस्ट बिकॉज ही वॉज सी इज. कौन है ये भीड़ है यार, भीड़ की तुम चिंता कर दो. रियली यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस 2 रुपीज मेंटलिटी पीपल यार. दे आर इन ह्यूज, आर पॉपुलेशन इज 130 करोड़ यार. वो खुद मतलब गर्लफ्रेंड चाहते हैं ऐसे जो ऐसा पहने, लेकिन उनकी अगर सिस्टर खुद पहने तो उन्हें प्रॉब्लम होती है. इस तरह की 2 रुपए की मेंटलिटी, व्हाट द फक इज दिस. आई मीन दिस 2 रुपीज फकिंग पीपल की तुम बात हो, डोंट नीड टू थिंक ऑल दिस. इस मैच इस मूवी में भी ये मैसेज दिया गया यार, डोंट थिंक ऑल दिस 2 रुपीज पीपल यार. दे आर विले लोग हैं यार, दे डोंट हैव एनी वन, दे आर वैंडरर्स, दे आर जस्ट वैंडरिंग, देयर लाइफ इज सेल्फ वैंडरिंग, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग, राइट.
So this is me signing off from this video. But yeah, this message is very important, and this video is also very important. Spread this video as much as possible so that many and more number of people get evolved, and more number of people get benefited from this video. Me signing off from this video. Have a great day.